अब बात करेंगे झारखंड की। झारखंड से हैरान कर देने वाली खबर है, दिखाते हैं आपको। % आदिवासी कहां गायब हो गए, कहां खो गए? जो आदिवासी महिलाएं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है, हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। देश की सीमाओं की सुरक्षा भारत सरकार की जवाबदेही जिम्मेवारी है, इसका मतलब है कि वो फेलियर हो रहे हैं। झारखंड में कम से कम 25 विधानसभा ऐसी है जहां 110% आबादी पढ़ी है। अगर इस प्रकार से डेमोग्राफी में बदलाव होगी तो फिर डेमोक्रेसी में भी एक खतरे होंगे। मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। जो लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, जो आस्था परिवर्तन कर लेते हैं, जो लोग अपनी पूजा पद्धति को छोड़ देते हैं, अपने परिवार को छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों का आरक्षण समाप्त होना चाहिए। झारखंड की कर लेते हैं। पिछले करीब 2 हफ्ते पहले झारखंड हाईकोर्ट ने धर्मांतरण पर चिंता जाहिर की थी और अब बीजेपी ने झारखंड के कई इलाकों की डेमोग्राफी पर जो आंकड़े पेश किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। मतलब यहां तो ये दावा कर रहे हैं बीजेपी के नेता कि हिंदू खत्म हो जाएंगे आने वाले समय में। बंगाल के सीमावर्ती इलाकों की डेमोग्राफी बदलने की खबरों के बाद इस बार झारखंड में डेमोग्राफी बदलने का मुद्दा उठ गया है। बंगाल के बाद झारखंड, झारखंड की बदलती डेमोग्राफी पर क्या है बीजेपी के आंकड़े आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उनकी अगुवाई में कल बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने भारत के चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। झारखंड में तेजी से बदल रही डेमोग्राफी पर एक ज्ञापन सौंपा। डेमोग्राफी बदल रही है, हिंदू घट रहे हैं, मुसलमान बढ़ रहे हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग से संथाल परगना इलाके में घुसपैठ पर चिंता जाहिर करते हुए इस पर इसे रोकने की मांग की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इन इलाकों में 20 से 123 प्रतिशत तक फर्जी वोटर हैं, 123, जिसका नाम मतदाता सूची में है और यह देश तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश है। दरअसल बीजेपी ने झारखंड की जेएमएम और कांग्रेस सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। हालांकि झारखंड सरकार ने इसे केंद्र का विषय बताते हुए ना सिर्फ पल्ला झाड़ लिया बल्कि बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। सुनाइए। अब 20% से लेकर के 123% मतदाता सूची में फर्जी तरीके से मतदाता के नाम वहां बढ़ाए गए तो ये गलत है। अगर इस प्रकार से डेमोग्राफी में बदलाव होगी तो फिर डेमोक्रेसी में भी ये खतरे होंगे और उस खतरा को हम सबको महसूस करना चाहिए। घुसपैठ, यदि सीमा के अंदर घुसपैठ हो रही है तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम है, भारत सरकार का काम है, गृह मंत्री जी का काम है, ये काम राज्य सरकार का नहीं है। सीमाओं की सुरक्षा, देश की सीमाओं की सुरक्षा भारत सरकार की जवाबदेही जिम्मेवारी है, इसका मतलब है कि वो फेलियर हो रहे हैं। दरअसल चुनाव आयोग से कल बीजेपी प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के बाद बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने यह मुद्दा लोकसभा में उठा दिया और जो आंकड़े और तथ्य बताए वो चौंकाने वाले। निशिकांत दुबे ने क्या दावा किया? उन्होंने दावा किया कि झारखंड के संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 10% कम हो गई है। आदिवासियों की आबादी 10% कम, बिहार से अलग राज्य बनने के वक्त साल 2000 में आदिवासियों की जो आबादी 36% थी, 36 वो 26 रह गई है। कहां जा रहे हैं आदिवासी? ये देखिए 36 से 26। निशिकांत दुबे ने सदन को बताया कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ तेजी से बढ़ रही है, घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं के साथ शादी कर रहे हैं। इसको सुनिएगा, निशिकांत की जो थ्योरी है, घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं के साथ शादी कर रहे हैं। यही नहीं, निशिकांत दुबे ने आंकड़ों के साथ दावा किया कि संथाल परगना में 100 आदिवासी मुखिया ऐसी हैं जिनके पति मुसलमान हैं। 100 आदिवासी मुखिया ऐसी हैं महिला जिनके पति मुसलमान हैं। 100 अपनी लोकसभा की मधुपुर सीट का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि वहां के 267 बूथ पर, 267 बूथ पर आंकड़ों के साथ बताया 117% मुस्लिम आबादी बढ़ गई है। बड़ी अभी बंगाल को लेकर चिंता थी, ये झारखंड तो और हैरान कर रहा है।
117% मुस्लिम आबादी बढ़ गई। साथ ही पूरे झारखंड की कम से कम 25 विधानसभाओं में 110% मुस्लिम आबादी बढ़ने का उन्होंने दावा किया। निशिकांत ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की पुलिस संथाल परगना से हिंदुओं को भगा रही है। ममता बनर्जी की पुलिस और हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, उनके गांव के गांव खाली हो रहे हैं, बंगाल का भी जिक्र किया उन्होंने। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि भारत सरकार संथाल परगना समेत प्रभावित इलाकों को मिलाकर केंद्र शासित क्षेत्र बनाए, नहीं तो यहां से हिंदू खाली हो जाएंगे। निशिकांत ने यहां एनआरसी लागू करने की मांग की, एनआरसी की घुसपैठियों को बाहर निकालो, जो भारत का नहीं है उसको बाहर निकालो। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए सांसदों की कमेटी इन इलाकों में भेजी जाए और उस कमेटी में सबसे अधिक टीएमसी के सांसद शामिल किए जाएं। इसके साथ ही निशिकांत ने 2010 की लॉ कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने और धर्मांतरण और शादी के लिए अनुमति को जरूरी बनाने की भी मांग कर डाली। सुनाइए एक एक करके पूरा बयान। 2000 में आदिवासियों का पॉपुलेशन हमारे यहां संथाल परगना में 36% था और आज आदिवासियों का पॉपुलेशन 26%। 10% आदिवासी कहां गायब हो गए, कहां खो गए, इसके बारे में कभी भी ये सदन चिंता की बात नहीं करता है, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहां लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती है महिला आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं उनके पति मुसलमान हैं। मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। मैं जिस लोकसभा से आया उसकी एक विधानसभा मधुपुर में लगभग 267 बूथों पर 117% मुसलमानों की आबादी बढ़ गई और पूरे आप समझिए कि टोटल जो है झारखंड में कम से कम 25 विधानसभा ऐसी है जहां 110% आबादी बढ़ी है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। हमारे यहां अभी पाकुड़ जिले में तारानगर इलामी और डांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा क्यों हो गया कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है।